हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वोकेशनल पाठशाला। माय नेम इज़ सुनील एंड इन टुडेज वीडियो वी गोना डिस्कस अबाउट टूरिज्म सिस्टम्स एंड इन दिस टॉपिक वी विल टेक डॉक्सिस इरिटेशंस इंडेक्स एंड इट्स अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूनिट वन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डॉक्सिस इरिटेशन इंडेक्स। आपको समझना होगा ये होता क्या है। ओके, आई विल ट्राई टू मेक दिस वीडियो इन बोथ लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश, सो दैट एवरी टाइप ऑफ स्टूडेंट हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी, बोथ टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, दे कैन अंडरस्टैंड इट। सो डॉक्सिस इरिटेशन इंडेक्स, इट्स अ इंडेक्स राइट विच इज़ अ कॉन्सेप्ट एक्चुअली गिवन बाय जॉर्ज डॉक्सी इन 1975। ओके, एंड दिस शोज द इरिटेशन लेवल ऑफ लोकल कम्युनिटीज ड्यू टू टूरिज्म एक्टिविटीज। ओके, एज यू कैन सी इट इलस्ट्रेट्स द चेंजिंग एटीट्यूड्स ऑफ होस्ट कम्युनिटीज टू टूरिस्ट एंड टूरिज्म डेवलपमेंट ओवर टाइम। डॉक्सी ने ये कॉन्सेप्ट दिया था इरिटेशन इंडेक्स का 1975 में, और इसमें इन्होंने बताया था कि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो किस तरीके से ओवर द टाइम, जैसे टूरिज्म शुरू होता है किसी एरिया में डेवलप होना, और ओवर द स्टेजेस, जो डिफरेंट स्टेजेस होती है उसमें किस तरह से लोग इरिटेट होते हैं, जिसको आपको समझना होगा। दिस मॉडल इज सपोर्टेड बाय लॉन्ग एल एटल इन 1990s। तो उसको ये कोई और साइंटिस्ट थे, रिसर्चर थे लॉन्ग एटल, इन्होंने 1990 में इसको सपोर्ट किया था। विच इंडिकेट रेजिडेंट्स एटीट्यूड आर इनिशियली फेवरेबल बट बिकम नेगेटिव आफ्टर रीचिंग अ थ्रेशहोल्ड। तो जब एक थ्रेशहोल्ड पे टूरिज्म किसी एरिया में पहुंच जाता है तो लोगों का जो एटीट्यूड होता है इट बिकम्स नेगेटिव। द इरिटेशन मॉडल इंडिकेट्स दैट रेजिडेंट्स एटीट्यूड्स टू टूरिज्म वुड चेंज ओवर द टाइम विद इन अ प्रेडिक्टेबल वन वे सीक्वेंस। सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सीक्वेंस एंड स्टेजेस। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड एज यू कैन सी व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इरिटेशन राइट। फर्स्ट इज यूफोरिया, सेकेंड इज एपैथी, एंड थर्ड इज इरिटेशन, फोर्थ इज एंटागोनिज्म राइट। दीज आर द फोर स्टेजेस। जैसे कि आप देख सकते हैं इन द चार्ट एज वेल, देयर वन साइड यू कैन सी नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, एंड वन साइड यू आर सीइंग नंबर ऑफ टूरिस्ट एंड फीलिंग इज देयर, फीलिंग इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। एज वी स्टार्ट यूफोरिया इज देयर राइट, यूफोरिया इज देयर एंड द फीलिंग ऑफ द लोकल कम्युनिटी इज पॉजिटिव। इन द नेक्स्ट स्टेज ऑफ एपैथी राइट, द फीलिंग इज बिकमिंग बिट नेगेटिव दैन इरिटेशन, इट्स मोर नेगेटिव, एंड एंटागोनिज्म इट्स वेरी नेगेटिव राइट। सो जस्ट टेक द नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूफोरिया। बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, आई जस्ट वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू ऑल दैट ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल। यू वॉन्ट PDF ऑफ दिस वीडियो और एनी अदर एजुकेशनल कॉन्टेंट दैट आई कीप शेयरिंग देयर ओवर द टाइम। आई शेयर अबाउट द MCQs, आई शेयर अबाउट अदर करंट अफेयर्स एंड थिंग्स। द पर्सन द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर UGC नेट टूरिज्म, डेफिनेटली दे शुड ज्वाइन, इट विल बेनिफिट दैम सम वे। एंड सेकेंडली आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द एक्सपीरियंस, दैट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, इट विल डेफिनेटली मोटिवेट मी टू वर्क इन दिस एरिया, एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो at least with one or two friends. Okay, and in the next part we will discuss what is euphoria. Euphoria is the initial enthusiasm and excitement about tourism where locals welcomes tourists and view them as a source of income, economic benefits, yeah, source of income. This mein hota hai pehle jab tourism kisi area mein shuru kiya jata hai to local logon mein excitement hota hai ki bhai tourists aayenge, hum unse kuch hamara income generate hoga. There is a sense of excitement and anticipation, especially if there is are plans to fund new developments in the area. At this point, residents have little informal contact with tourists themselves. A lot of it might be hypothetical at this stage. So, अभी उनका contact नहीं होता है ज़्यादा local people के साथ, right? So, tourist के साथ. So, अभी वो काफ़ी उनमें एक excitement होती है tourist के लिए. अभी positive stage चल रहा है आपका, right? जैसे कि आप slide में भी देख सकते हैं, next slide में, कि अभी euphoria जब है stage one, जो डॉक्सिस ने दिया था अपना कॉन्सेप्ट, उन्होंने कहा था कि जो आपका स्टेज वन है, स्लाइड को मैं थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ, एज यू कैन सी यूफोरिया इज देयर एंड पीपल आर पॉजिटिव राइट। लोग कैसे हैं अभी, लोग अभी पॉजिटिव हैं। 1.1 आप देख सकते हो, अगर लेवल ऑफ इरिटेशन को हम देखें नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को, एट द फर्स्ट स्टेज पीपल आर पॉजिटिव, दे आर नॉट नेगेटिव। जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, स्टेजेस ओवर टाइम इट्स इंक्रीजिंग राइट, एंड वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेजेस राइट। सो व्हाट इज हैपनिंग, द लेवल ऑफ इरिटेशन इज इंक्रीजिंग। इन द एपैथी यू कैन सी दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, इट कैन बी 2.1, नेगेटिविटी इज इंक्रीजिंग, एंड इन नेक्स्ट स्टेट्स इट्स 3.1, 3.5 एंड मोर नेगेटिव देन दैट। इन द नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी इट्स एपैथी, एंड व्हाट इज एपैथी।
in the stage two. Over time, the novelty of tourism wears off and interactions between tourists and residents become more formal and less personal. So what happened? In the next stage, the local community start interacting with the tourists, right? So they become formal with them and not very personal, but less personal. But yeah, they start interacting with them. This is fairly neutral feeling. I mean, abhi wo neutral and they are not negative, they are not that much positive. Still erring on the side of positivity and more formal contact with tourists starting to develop. Residents will begin to see these tourists as a source of both income and investment. So abhi bhi local residents unko ya to income ka source dekh rahe hain, investment ka dekh rahe hain ki kuch na kuch yahan pe hai abhi. Negativity itni nahi aayi hai apathy ke stage mein, right? In the stage 3, there is annoyance, right? Also called irritation. Doxy's irritation index is the topic name. You can see irritation have arrived. आ चुकी है इरिटेशन अब. तो क्या हो रहा है, आप देख सकते हो. दोबारा से मैं जूम इन कर रहा हूँ. अभी यूफोरिया से मैं एम्पैथी पे गए, थोड़ा सा हल्का सा मतलब न्यूट्रलिटी पे चल रहा था, उतना नेगेटिविटी नहीं था. बट एज वी रीच इन द इरिटेशन, अभी टाइम भी बढ़ चुका है, इरिटेशन लेवल भी बढ़ चुका है, इट्स नेगेटिव, राइट. नंबर ऑफ टूरिस्ट भी बढ़ रहे हैं उस साइड पे, आप देख सकते हो. सो नंबर ऑफ टूरिस्ट आर इंक्रीजिंग इन द स्टेज 3. द इरिटेशन लेवल हैव रीच टू 3.0, मीन इरिटेशन हैव इंक्रीज्ड. सो एज यू कैन सी, as tourism grows, residents begin to experience inconvenience and frustration due to the overcrowding, resource competition and cultural clashes. क्या होता है, जैसे जैसे टूरिज्म ग्रो करता है तो लोगों में थोड़ा फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, उनको प्रॉब्लम होने लगती है, कहीं लोकली इशूज़ होने लगते हैं टूरिस्ट की वजह से. महंगाई बढ़ती है, ट्रैफिक जैम बढ़ते हैं और भी चैलेंजेस बढ़ते हैं, पॉल्यूशन बढ़ता है. सो दे स्टार्ट फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड. रेजिडेंट्स विल स्टार्ट टू सी द नेगेटिव साइड ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री इन देयर एरिया. ओवर क्राउडिंग, टू मच ट्रैफिक, लिटरिंग, इन्वेस्टमेंट स्पेंड ऑन टूरिस्ट एक्टिविटीज, एमिनिटीज रेदर देन थिंग्स द लोकल नीड्स टू एंड सो ऑन. क्या हो रहा है, उनको लग रहा है कि गवर्नमेंट सारा जो फोकस अपना ले जा रही है वो टूरिस्ट की तरफ ले जा रही है, उनके लिए एमिनिटीज दे रही है, उनके लिए एक्टिविटीज प्रोवाइड कर रही है, बट लोकल के लिए क्या है. तो ट्रैफिक इंक्रीज, ये तो आप देख ही रहोगे, योर नियर बाई सिटी, नियर बाई प्लेसेज, इफ़ यू आर लिविंग इन अ टूरिस्ट प्लेस लाइक गोवा, शिमला, मुंबई और दिल्ली, ओवर क्राउडिंग इज देयर, टू मच ट्रैफिक इज देयर, लिटरिंग इज देयर, इन्वेस्टमेंट स्पेंड ऑन टूरिस्ट एक्टिविटीज मोर. सो लोकल गेट्स frustrated due to this, right? So irritation ka level badh chuka hai, it's increased. So as you can see, it's 3.0. and in last stage what happened now is the antagonism. Antagonism mai matlab ye hai, bilkul ab virodh karne lag gaye hain log. They have start, you know, doing agitations and like that, and even fight with the tourist. They are fighting with the tourist physically in any way. In this final stage, residents may develop hope open hostility to a tourist, blaming them for negative impact on the community. So this is the final stage. So yahan pe, as you can see, number of tourists have increased, you can see at the top, right? Antagonism the stage and the euphoria to, you know, the antagonism the stage, positive to negative, it's 4.0, level of irritation at top. So this was all about this topic that is given by Doxy's and known as the Doxy's irritation index. But there are a few contradiction about that. Some people have opposed this concept, but we will not go for that a conclusion part is there. So I just want to read for you. The iridex suggests all residents feel the same, moving toward negativity. So they thought that all sabhi log jo ek jagah pe reh rahe hain wo sab tarike sabhi isi tarah se react karte, but there may be variance, wahan pe ho sakta hai. Kyun, reason kya, however different community sectors may respond differently. Different communities, who are different communities there in that area? Entrepreneurs might like tourism for new business opportunities and job seekers for employment. So what happen, entrepreneurs soch sakte hain ki tourism jo hai new business opportunities ke liye hai के लिए, तो उनको वो इरिटेट नहीं होंगे जैसा भी चल रहा है, ठीक है. एज यू कैन सी दैट जॉब सीकर्स भी सोचेंगे कि हाँ जॉब मिल रही है तो कोई बात नहीं, पर लोकल लोगों को प्रॉब्लम हो रही है. ड्राइवर्स माइट डिसलाइक इट ड्यू टू द इंक्रीज ट्रैफिक. सो इट्स अ पॉइंट जस्ट कि ड्राइवर को कहीं को इशू भी हो सकता है. अब टैक्सी ड्राइवर तो खुश होंगे कि टूरिस्ट आ रहे हैं, पर लोकल ड्राइवर जो और बस ही चला रहे हैं, कुछ चला रहे हैं, उनको इशूज हो सकता है कि इंक्रीज ट्रैफिक है, जैम लग रहा है. सो दिस इज द कंक्लूजन पार्ट. वो सबका अपना हो सकता है, आप अपना यू कैन गिव योर व्यू ऑन द कमेंट सेक्शन, जो एग्री विद दैट और नॉट. सो ये हमारा काम नहीं है, हमारे काम है कॉन्सेप्ट को समझना. साइंटिस्ट ने जो बोला, रिसर्चर ने, वो आपको मैंने डिस्कस कर दिया, आई डिस्कस विद यू. सो देयर इज एमसीक्यू आउट ऑफ दिस व्हिच कैन बी आस्ट, और सिमिलर क्वेश्चन कैन बी आस्ट. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स द सीक्वेंस ऑफ फेजेस इन डॉक्सिस इरिटेशन इंडेक्स. तो कौन रिप्रेजेंट करता है सीक्वेंस को, सीक्वेंस हमने पढ़ दिए हैं. तो मेरे हिसाब से आपको अभी याद भी होंगे, यूफोरिया, एपैथी, अनोयंस, एंटागनिज्म, बी इज इलेटेशन, इंडिफरेंस, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, तो इनका तो लेना देना नहीं, एंटिसिपेशन, एडप्शन, एक्लेमिनेशन, एंटीपैथी, एक्सप्लोरेशन, एंगेजमेंट, एक्साइटमेंट, एनिमिटी. तो आपको पता लग गया होगा यूफोरिया, एपैथी, अनोयंस, एंटागनिज्म इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन.
Explanation is there. Doxy's irritation index describes the stages of host community attitude evolve toward destination. Right? It begins with euphoria, initial excitement, followed by apathy, beginning of irritation, then annoyance, increased irritation, and finally antagonism, strong negative feelings. So it's the explanation of the question. So I hope you all understand this concept of Doxy's irritation index, right? And I'm trying to give you best content for UGC NET tourism exam. So at the end, I just again request you please like, share, and subscribe my channel, and join my Telegram group if you want a PDF of this video and need any type of assistant. The link is in my channel, in my YouTube channel. You can take one-to-one classes with me or sessions with me, right? So you have to join through link. I cannot directly give you for my phone number. Link is there, Rigi's link is there, so there is a fee for that. Nominal fee. That's only because कोई इस तरह का person ना आ जाए who are not interested और ऐसे ही join कर रहे हैं, ऐसे ही मेरा time waste कर रहे हैं. So that's why I have put it a nominal fee there. If you need a 30-minute session, 20-minute session, need any type of assistance for this exam, that is there. So thank you very much for supporting me, my channel, my Telegram channel, and I hope you best of luck for your exam. And thank you very much. Have a good day.